आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बिटगेट पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं और जो जो इश्यूज आपके पास आ रहे होते हैं वेरीफिकेशन में उन सबको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब अकाउंट आप वेरीफाई करते हैं। वरना ये होता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा और आप उसको बार बार ट्राई कर रहे होंगे मगर फिर भी हमेशा आपके पास इश्यूज़ आते रहेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बिटगेट पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उन सब की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके बाद हम यूएसडीटी को बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, क्वाइंट्स को बाय कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों की वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आप रहें अपडेट हमेशा। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको दूसरी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाने का तरीका, वहाँ पे यूएसडीटी परचेस करने का तरीका, उनको सेल करने का तरीका, क्वाइंट्स को बाय और सेल करने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको किसी भी एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंट लेने से यूएसडीटी सेल करने तक, तो उन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, कब मार्केट अप जा सकती है, कब डाउन जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी मेरे फ्री ग्रुप पे जो टेलीग्राम का है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, क्रिएट करते हैं बिटगेट पे अकाउंट और करते हैं उसको वेरीफाई। तो बिटगेट का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होगी बिटगेट की एप्लीकेशन। तो बिटगेट का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक अदद सेल फोन और उस पर चाहिए इंटरनेट। उसके बाद आपको आना है प्ले स्टोर पे। जैसे ही प्ले स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है बिटगेट, ये एप्लीकेशन आपको करनी होगी इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्टॉल। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आईफोन में भी ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, और अगर आप वेब से यूज करना चाहते हैं तो बिटगेट की वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे हो रही है इंस्टॉल। तो बिटगेट की एप्लीकेशन हो गई इंस्टॉल, मगर जब भी आप बिटगेट की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें तो ये चेक क्या करें कि ये किस कंपनी ने बनाई हुई है। देखें BG लिमिटेड लिखा हुआ है, तो यही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको फेक एप्लीकेशंस भी मिलेंगी जो आपका सारा डेटा ले लेती हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जो वेबसाइट आपने खोली है वो बिटगेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑफिशियल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से ओपन, इसको मैं नोटिफिकेशन करता हूँ अलाउ। ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्यूटोरियल बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक चीज़ लिखी हुई है, न्यू यूजर्स ओनली साइन अप एंड गेट 1000 यूएसडीटी नाउ। तो इन चीज़ों पे थोड़ा यकीन नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो छोटे मोटे चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, जैसे कि $1, $2 या $5 या मैक्सिमम $50 भी, मगर ये सारे उन चीज़ों के लिए होता है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसकी फ़ी जो है वो माइनस हो जाती है, फ़ी आपको नहीं लगती। आप ये नहीं समझेंगे आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे उसके बाद आप उनको सेल करके अपने अकाउंट में ले लेंगे, ऐसे नहीं है, ये आपको जस्ट फ़ी के लिए होते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप आ जाएंगे गेट स्टार्टेड पे। अब जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आ जाएंगे तो इस तरह का कुछ होम पेज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ईमेल लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप ईमेल से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये ईमेल रहने दें, अगर आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लें, या तो आप अपने जीमेल के अकाउंट से डायरेक्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये देखें नीचे जीमेल और एप्पल का आइकन बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा जीमेल से डायरेक्ट। अगर आप फ़ोन से या ईमेल से बना रहे हैं तो ऊपर अपनी डेटा डाल के क्रिएट अकाउंट पे करें क्लिक, और यहाँ पे देखें रेफरल कोड लिखा हुआ है। रेफरल कोड आपको कौन सा डालना है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो कोड उठा के यहाँ पे लगा दें। उस पर यह क्या होगा कि स्मॉल सी कमीशन मुझे मिलेगी जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, और जब आप भी करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट मिलता रहेगा, जैसे कि वाउचर्स मिल गए, डिस्काउंट मिल गया, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करूँगा डायरेक्ट जीमेल से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया जीमेल के आइकन पे। उसके बाद आपको अपनी ईमेल सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी ईमेल के थ्रू आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। मैं कर रहा हूँ जीमेल से। जैसे ही आप जीमेल से करेंगे तो यहाँ पे देखें इन्विटेशन कोड, इन्विटेशन कोड पे ये वही रेफरल कोड आपको डालना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह होती है, पॉलिसीज के बारे में लिखा होता है, उन चीज़ों से तो हमें लेना देना है ही नहीं क्योंकि हम तो वो पढ़ते ही नहीं है, तो उसको यहाँ पे क्लिक करने दें और यहाँ पे क्लिक करें साइन अप पे। ठीक है, अकाउंट लिंक्ड, यू कैन नाउ यूज योर गूगल अकाउंट टू लॉग इन अकाउंट क्विकली, इसको करें ओके। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फिंगरप्रिंट लॉक आपको लगाना है, मैं बोलता हूँ यस भाई, क्यों नहीं लगाना है, ये मैंने अपनी फिंगरप्रिंट लगा दी। अब यहाँ पे देखें आपके लिए है इनाम, यू हैव रिसीव्ड 1000 USDT इन रिवार्ड। अब देखें 300 USDT स्पोर्ट ट्रांजेक्शन फी, ये देखें वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ना, आपको 300 USDT तो मिल गए मगर ये किस चीज़ के लिए है, स्पोर्ट ट्रेडिंग फी के लिए। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप करें क्लेम। अब यहाँ पे आपको रोज़ आगे पॉइंट्स कलेक्ट करनी होगी, आज 3 मिलेंगी, कल 5 मिलेंगी, इस तरह ये बढ़ती रहेंगी।
मैं करता हूँ क्लेम नाउ, गो टू टास्क। उसके बाद ये दूसरी चीजें आ गई, वेरिफिकेशन, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट, उसके थ्रू आपको ये स्लोली स्लोली मिलता रहेगा। मगर मुझे अभी इन चीजों से लेना देना नहीं है, मैं जाता हूँ बैंक पे, इसको करता हूँ क्लोज। अब अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ये देखें प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, इसको करें क्लिक। अब देखें यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यहाँ पे करें वेरीफाई को क्लिक। अब देखें यहाँ पे आ रहा है वेरिफिकेशन लेवल 1, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है, विदड्रॉल जो आपकी लिमिट होगी वो 3 मिलियन USDT तक हो जाएगी, क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं, फियाट डिपॉजिट कर सकते हैं, P2P ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, उसके बगैर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये देखें वेरीफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, अ गवर्नमेंट इश्यूड ID, जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है अपना, NIC होता है, वो यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो ID कार्ड जब भी आप लगाएं, ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि वो लोकल लैंग्वेज में ना हो, उस पर आपका नाम जो है, एड्रेस है, वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ होना चाहिए। उससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट है जल्दी वेरीफाई हो जाएगा, वरना लोकल लैंग्वेज में होगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद आपको चाहिएगा फेस ऑथेंटिकेशन होगी, जो आप NIC लगाएंगे, अपना कार्ड लगाएंगे, उसके बाद आपको ऐसे करके अपना फेस की ऑथेंटिकेशन भी देनी होगी, एक पिक्चर देनी होगी। उसके बाद क्या लगेगा, 60 मिनट के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, मगर ये 3-4 मिनट में भी हो जाता है, मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप क्लिक करें यहाँ पे वेरीफाई पे, ठीक है। अब जैसे ही वेरीफाई पे आ गए तो ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है। बाय डिफॉल्ट आपकी कंट्री वही है जहाँ से मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, अगर आपके पास वो कंट्री नहीं आ रही तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कौन सा कार्ड देना चाह रहे हैं, अपना ID कार्ड देना चाह रहे हैं, पासपोर्ट देना चाह रहे हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस देना चाह रहे हैं। जो बिटगेट रिकमेंड कर रहा है वो कर रहा है ID कार्ड, मगर पासपोर्ट के थ्रू भी ये इजीली हो जाता है, सो नो वरीज। यहाँ पे मैंने ID कार्ड सेलेक्ट किया, इसको मैं करूँगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखें इसने एग्जांपल दी हुई है कि अपने ID कार्ड आपको किस तरह देना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल सीधा रख के देना है, स्ट्रेट, ऐसे नहीं करना है, बिलर ना हो और उसके आगे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीधा रख के कार्ड की इमेज लगानी है, ठीक है। ओरिजिनल हो, फुल साइज़ हो, कुछ भी इस पर लिखा हुआ नहीं हो, फ्रेम के अंदर हो, हाई रेजोल्यूशन हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब देखा यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो फ्रंट, अब फ्रंट फोटो ID कार्ड की डालनी है, तो यहाँ पे मैं अपने ID कार्ड की फ्रंट फोटो डालता हूँ, ठीक है। ये ID कार्ड मैंने अपने पास ले लिया हाथ में, इसको मैं करता हूँ प्लस आइकन में क्लिक। आपको परमिशन देनी होगी कैमरा की, मैं करता हूँ वाइल्ड यूजिंग इन द ऐप अलाउ टेक अ पिक्चर। आप डायरेक्ट इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी फ्रंट ID कार्ड की फोटो जो है वो वेरीफाई हो गई। अब मैं करने मुझे करनी है बैक फोटो, मैं टेक ए पिक्चर करता हूँ, अब बैक साइड की फोटो में लगाता हूँ। तो यहाँ पे जब तक ये अपलोड हो रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखें सेकंड इमेज भी अपलोड हो गई। अब आ जाएं यहाँ पे कंटिन्यू में, कंफर्म। अब यहाँ पे अब ये देखें आपको बता रहा है कि इस तरह सामने कैमरा पे फेस रख के इस तरह आपको मूव करना होगा स्लोली स्लोली सेल्फी के लिए, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ आई एम रेडी। अब ये देखें इसे रख करके, ठीक है, ये सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे देखें इमेज की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, जिस तरह मैंने किया है आपको भी वैसे ही करना होगा। अब यहाँ पे आ रहा है यू हैव कंप्लीटेड लेवल 1 आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, वी विल रिव्यू इट इज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर इसकी रिजल्ट हमें पता लगेगी, मैं इसको करता हूँ बैक, ये है अंडर रिव्यू, मगर ये विद इन 5-10 मिनट भी हो जाता है अक्सर। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ 5-10 मिनट में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के आइकन को कर लें प्रेस, ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पे देखें 2-3 मिनट के अंदर मेरे पास ईमेल आई है KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसको मैंने वापस आ गया प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है वेरीफाइड। तो यहाँ पे देखें हमारा अकाउंट हो गया वेरीफाई। अब ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, विदड्रॉ कर सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ, P2P से ट्रेड कर सकता हूँ। P2P पे क्या होता है, हम अपने USDT सेल भी कर सकते हैं और वहाँ से USDT बाय भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक कर लें चैनल को सब्सक्राइब। और यहाँ पे देखें हमारा अकाउंट हो गया वेरीफाई। अब हमें USDT कैसे परचेस करने हैं, उसके बाद कॉइन्स को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। अगर अकाउंट क्रिएट करने में आपके पास कोई भी इश्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।